नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कैसे आप ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी ले सकते हैं अपने घर बैठे ही। दोस्तों, अगर आप ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी ले लेते हैं तो उससे आप बहुत सारे काम अपने घर बैठे ही कर सकते हैं बहुत कम पैसे में। जैसे कि दोस्तों, अगर आपको आय जात निवास बनाना होगा तो आप ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से खुद ही अपने घर बैठे बना सकते हैं, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही आप और चीज़ों का लाइसेंस भी ले सकते हैं, जैसे आतिशबाजी यानी कि तमाशे का भी आप लाइसेंस इससे बना सकते हैं, जन्म प्रमाण पत्र भी बना सकते हैं और भी बहुत सारी सुविधाएं इस पर दी गई हैं। तो मैं आपको ये भी बताएंगे कैसे आप ई डिस्ट्रिक्ट आईडी बना सकते हैं अपने मोबाइल से ही घर बैठे ही। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो करते हैं शुरू। तो हे गाइस, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यू ज्ञान विद शुभम को। दोस्तों, आपको जाना है गूगल पे। गूगल पे आने के बाद आपको यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट सर्च कर लेना है। दोस्तों, मैं बता दूं कि मैं आज आपको यूपी का करके दिखाने वाला हूँ। अगर आप अन्य स्टेट से हैं तो आप ई डिस्ट्रिक्ट अपने स्टेट का नाम लिख देंगे तो आपका स्टेट का लिंक यहाँ पे आ जाएगा। तो हम यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट लिख लिए हैं और यहाँ पे देख लीजिए ई डिस्ट्रिक्ट UP.gov.in का एक ऑप्शन यहाँ हमें मिल गया है। तो सिंपली हम इसे पे क्लिक कर देंगे। इतना करते ही आप यूपी की ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पे आ जाते हैं। वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे सिटीजन लॉगिन ई साथी का एक ऑप्शन मिल जाता है। तो सिंपली आपको इसी पर क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा और आपको यहाँ पे नीचे थोड़ा स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नवीन उपयोगकर्ता पंजीकृत, तो यहाँ पे ये देखिए लिखा गया है। उसके जैसे अगर आपके पास पहले से ही यूजर आईडी है तो आपके लिए ये ऑप्शन दिया गया है। अब अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपके पास यूजर आईडी एंड पासवर्ड नहीं है और आपको नया बनाना है तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कैसे आप ये बना पाएंगे। तो यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख सकते हैं, नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण का एक ऑप्शन है। तो सिंपली आपको इसी पर क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपको 6 से 8 डिजिट तक एक यूजर आईडी बनानी है जो यहाँ पे मान्य हो। तो यहाँ पे आप कोई भी यहाँ पे नाम डाल दें। तो आप देख सकते हैं मैंने एक आईडी डाली है। अब मुझे चेक करना होगा कि ये उपलब्ध है या नहीं। तो यहाँ पे उपलब्धता जांच करने पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं, आप लिख कर इस लॉगिन आईडी का रिकॉर्ड पहले से ही मौजूद है, कृपया पुनः नई आईडी से प्रयास करें। तो इसका मतलब है कि ये जो आईडी मैंने बनाया कि इससे कोई किसी और ने आईडी बना लिया है। तो यहाँ पे हम थोड़ा चेंज कर देंगे, हमने थोड़ा चेंज कर दिया है। उसके बाद हम फिर से यहाँ पे चेक करेंगे। तो ये भी देख सकते हैं कि आप भी यहाँ पे इस आईडी का भी रिकॉर्ड पहले से मौजूद है, यानी कि आपको ऐसा कोई नाम चूज करना होगा जो पहले से उपलब्ध ना हो। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने दूसरी आईडी डाली है, उसके बाद हम इसको भी चेक कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह लॉगिन आईडी प्रयोग में उपलब्ध है, अतः हम अभी इसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे आवेदक का नाम डाल देना है। आप जो भी आईडी बना रहा है उसका यहाँ पे आपको नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए जन्मतिथि डालने का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप यहाँ पे जन्मतिथि को भी एंटर कर दें। उसके बाद आपको यहाँ पे लिंग चयन करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप वो भी चयन कर लें, महिला पुरुष या जो भी हो आप वहाँ पे सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको अपना आवासीय पता यहाँ पे दे देना है। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे पिन कोड दर्ज कर देना है। अब आपके सामने यहाँ पे आ गया है जिला सेलेक्ट करने का ऑप्शन। तो आपको ध्यान रहे, आप जिस भी जिले को सेलेक्ट करेंगे तो आप उसे चेंज नहीं कर पाएंगे। आप उसी जिले का भी जो भी बनाना चाहें आय जात निवास वो ही बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रहे कि आपको अपना जिला ही सेलेक्ट करना है, जो भी आपका जिला हो। और उसके बाद आपको यहाँ पे एक मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। आपको एक ईमेल आईडी यहाँ पे दे देनी है एंड आपको ये सुरक्षा कोड डाल के यहाँ पे सुरक्षित कर देना है। अब यहाँ पे आप सुरक्षा कोड डाल दें, उसके बाद यहाँ पे सुरक्षित कर दें। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखे लिख के आ गया है पंजीकरण सफलतापूर्वक हो गया है, OTP आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। तो आप अब इसके बाद क्या करेंगे, अब आपको यहाँ से बैक आ जाना है। तो दोस्तों, आपको जाना है इस लॉगिन वाले पेज पे। लॉगिन वाले पेज पे आने के बाद आपको अपना यहाँ पे यूज़र नेम डाल देना है जो आपने यूज़र नेम अभी बनाया था, और साथ में जो आपने मोबाइल नंबर एंटर किया था उस पर एक OTP गया होगा। तो आपको यहाँ पे पासवर्ड या OTP जो लिखे हैं तो इसमें आपको वही OTP को एंटर करना होगा। एंड साथ ही ये वाला सुरक्षा कोड जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस वाला सुरक्षा कोड इस वाले बॉक्स में आपको फिल कर देना है। तो चलिए मैं इन सब जानकारी को फिल कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सही जानकारी को फिल कर लिया। फिल करने के बाद हमें यहाँ पे सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए अपना OTP वही डाल देना जो OTP आया था, एंड आपको एक नया पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने सारी जानकारी को फिल कर ली है। दोस्तों, आपको बता दूँ कि पासवर्ड आपको कुछ इस तरीके का डालना है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जा रहा है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे सारी जानकारी को फिल करने के बाद अब आपको यहाँ पे पासवर्ड बदले वाले पर क्लिक कर देना है।
इतना तो करते ही अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली का ऑप्शन यहाँ पे लिख के आ गया है। तो आप इसी तरीके से अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो आशा करते हैं हमारी वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगी होगी। तो हमारी वीडियो को आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।